साइकिल को मिल गया हाथ का साथ। हम लोग चाहते हैं गठबंधन हो, सरकार हम लोग बनाएंगे, हम लोग चाहते हैं कांग्रेस हम लोग का साथ आ जाए तो बुरी तरफ से भाजपा को हम लोग हराएंगे। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं। गठबंधन पर बन गई बिगड़ती हुई बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया। नरसिंह पता चल जाएगा आपको सुबह तक जब अनाउंस। सोनिया अखिलेश का डायल 103। अगर डिंपल और प्रियंका आती है तो हम लोग स्वागत करेंगे उनका, उनको भी आना चाहिए। सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच कल रात फोन पर हुई बातचीत ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बनने से पहले ही टूटते दिख रहे गठबंधन को शायद बचा लिया है। प्रियंका रामगोपाल की मुलाकात में डील पक्की। माना जा रहा है कि कल रात प्रियंका वाड्रा और रामगोपाल यादव के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात में गठबंधन पर मोहर लग गई है। सपा का लक्ष्य भाजपा को रोको, बसपा का लक्ष्य भाजपा को रोको, कांग्रेस का लक्ष्य भाजपा को रोको, अर्थात मोदी जी को रोको। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए हो या अपना अपना नुकसान बचाने के लिए, लेकिन लगता ऐसा ही है कि हो गई है तैयारी। हाथ को मिलेगी साइकिल की सवारी। इनके उस गठबंधन को एक ही वाक्य में कहा जा सकता है कि तुम ही से मोहब्बत और तुम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन के लिए बातचीत कल तक मुश्किल में दिखाई दे रही थी, वो अब एक बार फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है। कल सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई, प्रियंका वाड्रा और रामगोपाल यादव के बीच भी मुलाकात हुई। कितनी सीटों पर बात तय हो सकती है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की बात कर लेते हैं। इस खबर में हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। दूसरी विश्वसनीयता ये है कि खबर सत्यापित है यानी कि सही है पूरी तरह से। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है। आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस लिहाज से बड़ा हो सकता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। जो बातचीत कल शाम तक टूटती दिख रही थी वो रात होते होते फिर पटरी पर लौट आई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई, जिसके बाद दिल्ली में प्रियंका वाड्रा और रामगोपाल यादव के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 103 सीट मांग रही है, जबकि इससे पहले कांग्रेस 120 सीटें मांग रही थी और समाजवादी पार्टी 100 सीटें देने को तैयार थी। यानी इस वक्त ज्यादा सीटों पर पेच नहीं फंसा है और अब बात बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन क्योंकि सीटों की संख्या पर बात नहीं बनी थी इसलिए कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। हमने फर्स्ट और सेकंड फेज की सीटें अभी क्लियर की, नरसिंह पता चल जाएगा आपको सुबह तक जब अनाउंस। ये है कि हम तमाम सीटों पर जो भी दो फेज की हैं, हाँ। हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं होना सर, दो चरणों के अलायंस नहीं होना। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने समर्थकों के बीच ये कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 300 सीटें जीत सकते हैं, इसीलिए दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। देखिए, हम लोग गठबंधन के लिए हम लोग तैयार है, हम लोग चाहते हैं गठबंधन हो, सरकार हम लोग बनाएंगे, हम लोग चाहते हैं कांग्रेस हम लोग का साथ आ जाए तो बुरी तरफ से भाजपा को हम लोग हराएंगे। समाजवादी पार्टी जानती है कि कांग्रेस का यूपी में बड़ा आधार नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस को अपनी शर्तों पर सीटें देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि वो समाजवादी पार्टी को काफी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस ऐसे सीटें मांगती है जहां हमारे सिटिंग एमएलए हों, या अगर कहीं हमारा कैंडिडेट बहुत कम वोटों से 100-150-200 वोटों से हार गया है तो जाहिर है वो सीट नहीं दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस जिद करने लगी है, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का बड़ा प्रभाव है और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश रहेगा नहीं। उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों का फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन ना होने या होने की सूरत में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यूपी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अंतर विरोधों से भरे गठबंधन का आगाज ये दिख रहा है, तो अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। सपा का लक्ष्य है भाजपा को रोको, बसपा का लक्ष्य है भाजपा को रोको, कांग्रेस का लक्ष्य है भाजपा को रोको, अर्थात मोदी जी को रोको। मोदी जी की ताकत ना बढ़ने पाए, राज्यसभा में भाजपा को बहुमत ना मिलने पाए। पिता मुलायम से साइकिल लेने के बाद अखिलेश अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन को तय कर लेते हैं तो यूपी में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के बीच त्रिकोणीय लड़ाई लड़ी जाएगी। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विशाल, बहुत अहम दिन आज समाजवादी पार्टी के लिए है, मैनिफेस्टो तो जारी हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले बात कांग्रेस के साथ गठबंधन की और जो तालमेल बैठेगा उसकी कर लेते हैं, क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए नंदिता, कल रात में करीब 10 बजे के आसपास जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरणमय नंदा, उन्होंने जी न्यूज से फोन पर बातचीत करके कहा कि अभी भी गठबंधन के रास्ते खुले हैं और जो बीती रात है उस रात तक का वक्त दिया गया था कांग्रेस को कि अगर गठबंधन करना है तो हाँ या नहीं में वो जवाब दे। और इसके बाद सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की देर रात, और उस बातचीत के बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली में रामगोपाल यादव और प्रियंका वाड्रा के बीच मुलाकात हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 103 सीटें अब कांग्रेस मांग रही है गठबंधन के लिए, तो फिलहाल ये जो डील थी वो सील होती हुई दिखाई पड़ रही है और कई दौर की बातचीत लगातार कल रात से लगातार जारी है। और बताया ये जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि यहाँ पर हर मिनट पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हर मिनट पे बातें बदल रही हैं, तो आज हो सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन का ऐलान हो जाए। लेकिन अब एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरी गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है कि कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो गठबंधन में रहना चाहते हैं या नहीं। नंदिता, बिल्कुल, और ऑप्शंस कांग्रेस के पास ज्यादा नहीं है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अड़ी है कि करीब 100 के करीब सीटें वो कांग्रेस को देने को तैयार, और इसी पर बात बनती भी दिख रही है। विशाल, आप हमारे साथ रहिए। इधर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, पार्टी के चुनावी वादों का ऐलान भी करेंगे, और इस मौके पर पिता पुत्र एक मंच पर आकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। पार्टी के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता बनने के बाद आज जब अखिलेश यादव यूपी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे तो कोशिश जनता को यही बताने की होगी कि वो प्रदेश के विकास का चेहरा हैं। घोषणा पत्र पार्टी के मुख्यालय में जारी किया जाएगा। पिता मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 22 तारीख रविवार हम लोग का जो चुनाव घोषणा पत्र जो जारी होगा वो जारी होगा नेताजी का माध्यम से। माननीय हम लोग का सबका नेता माननीय अखिल मुलायम सिंह यादव चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी छोड़कर गए अंबिका चौधरी ने कल अखिलेश यादव पर पिता मुलायम के साथ गलत सलूक करने का आरोप लगाया था। जाहिर है घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर मुलायम को आगे रखकर अखिलेश ऐसे सभी आरोपों को खारिज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, नौजवानों के ऊपर खास तौर पर केंद्रित हो गए घोषणा पत्र। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं नौजवानों से आईटी से लेकर नौजवानों को सरकार में सीधी साझेदारी हो, वो नौजवान की मुट्ठी में सरकार लेना चाहते हैं। जो नौजवान है जिसके हाथ में पूरा वो प्रदेश में उनके 1 करोड़ लोगों को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके मोबाइल देने के लिए, उससे बड़ी संख्या हम बढ़ा सकते हैं कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन दें और स्मार्टफोन में ऐप हों, जहाँ चपरासी से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार नौजवान की मुट्ठी में हो। आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है। अखिलेश के घोषणा पत्र में यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का वादा किया जा सकता है। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और आगरा जैसे महानगरों में मेट्रो पहुंचाने का वादा किया जा सकता है। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल में 3 नए एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर समाजवादी कैंटीन बनाना अखिलेश के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। इन कैंटीन में सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जिन गरीबों के पास अपना घर नहीं है उन सभी को लोहिया आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। सभी बीपीएल कार्ड होल्डर महिलाओं को समाजवादी महिला पेंशन। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में कुर्सी, मेज और मॉडल बिल्डिंग का वादा कर सकते हैं अखिलेश।
घोषणा पत्र में स्कूलों से टाट पट्टी हटाना शामिल होगा। यूपी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्री वाईफाई का वादा किया जा सकता है। 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना यानी मुट्ठी में सरकार का ऐलान भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। किसानों के बीज और सिंचाई की नई योजनाओं का घोषणा पत्र में जिक्र होगा। बुंदेलखंड में विशेष जल अभियान योजना शामिल हो सकती है, जिसमें बुंदेलखंड के हर घर तक पानी पहुंचाने का ऐलान हो सकता है। घोषणा पत्र में बुंदेलखंड पर एक विशेष ऐलान भी किया जा सकता है। गांवों में 24 घंटे बिजली और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है। 4.5 साल में 2012 में घोषणा पत्र में जो 29 योजना का बारे में नेताजी वादा किया था, एक एक वादा पूर्ण किया। आज जो घोषणा पत्र जो 2012 से हम लोग जो काम किया वो भी रहेंगे, और हर बॉर्डर के लिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नया नया जो काम अखिलेश यादव जी का सरकार करेंगे वो भी घोषणा पत्र में रहेंगे। पार्टी में चली जद्दोजहद के बाद विजयी होकर उभरे अखिलेश यादव अब पिता के नाम और अपनी सरकार के काम पर विरोधी पार्टियों को रोकने में कितना कामयाब हो पाते हैं, इसके लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल पांडे हमारे साथ लखनऊ से लगातार मौजूद हैं। विशाल, ये तो देखना अहम होगा ही कि मैनिफेस्टो में क्या क्या कहा जाता है, पर वो रूटीन है जिस पर सबकी नजर रहेगी, वो है पिता पुत्र की इक्वेशन जो साथ में दिखाई देगी इतनी खींचतान के बाद। बिल्कुल नंदिता, और समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि मुलायम सिंह यादव आज अखिलेश यादव को अपना आशीर्वाद देंगे। जब अखिलेश यादव अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे उस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। तो ये जो पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था वो समाजवादी पार्टी में विवाद आज थम जाएगा, इसका औपचारिक ऐलान माना जा रहा है कि जब मुलायम और अखिलेश एक साथ मंच पर होंगे तो मुलायम सिंह यादव अपना आशीर्वाद अखिलेश यादव को देंगे और जो घोषणा पत्र है उसको संयुक्त रूप से सिंह यादव और अखिलेश यादव यहां पर जारी करेंगे। नंदिता, चलिए विशाल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर हम लौटेंगे आज पूरे दिन की गतिविधियां जानने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है और इसके साथ ही आज ही तय हो जाएगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी या नहीं, और करती है तो किन शर्तों।